इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे बिजी के अंदर हम परचेज वाउचर के अंदर एंट्री को पास करते हैं। परचेज वाउचर पर जाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है ट्रांजैक्शन के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा परचेज का, इसके ऊपर एंटर प्रेस करेंगे, ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर परचेज वाउचर हमारा ओपन हो जाएगा। या आप इसकी शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस F9। यहाँ पर ये परचेज बिल है मेरे पास, पहले परचेज बिल को समझते हैं। जिससे भी हम गुड्स परचेज करेंगे उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी, बिल नंबर यहाँ पर आ रहा है, डेट है, बिल जो है हमारे नाम पे कटा है तो हमारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। जो भी आइटम हम परचेज कर रहे हैं उस आइटम की डिटेल यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर टैक्स अमाउंट आ रहा है, टैक्स की बायफिकेशन यहाँ पे आ रही है, बाकी टोटल अमाउंट यहाँ पर आ रहा है। अब इसकी बिजी के अंदर एंट्री करते हैं। सबसे पहले है डेट, तो डेट हम यहाँ पे डाल देते हैं, बिल नंबर डालेंगे, अब हमको बताना है परचेज टाइप। परचेज टाइप के अंदर हम बताते हैं कि जो भी हम मटेरियल परचेज कर रहे हैं वो किस टैक्स स्लैब के अंदर आता है, ये चीज आपको आपके बिल के ऊपर मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं टैक्स जो है 6% CGST है और 6% SGST है, तो यहाँ पर हम इसको LGST 12% के अंदर डालेंगे। जिससे भी हम मटेरियल परचेज करेंगे उसका नाम हम यहाँ पर डालेंगे, यहाँ इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज रहेगा, जो भी मटेरियल हम परचेज करेंगे उसकी डिटेल हम यहाँ पर डाल देंगे। जैसे जैसे मटेरियल की डिटेल आपके परचेज बिल के ऊपर रहेगी सेम डिटेल आपने यहाँ पर डालनी है। F2 प्रेस करेंगे, हम बिल सन्ड्री वाले सेक्शन के अंदर आ जाएंगे। बिल सन्ड्री के अंदर हम एक्सपेंसेस और अपने टैक्स को डालते हैं। अगर बिल के अंदर फ्रेट या और कोई भी चार्ज लगा है तो हम यहाँ पर डाल देंगे। F4 प्रेस करेंगे, ये अपने आप टैक्स को कैलकुलेट कर लेगा, टैक्स को आप मैच करेंगे, टोटल अमाउंट को आप मैच करेंगे, F2 प्रेस करेंगे और इस वाउचर को सेव कर देंगे। यहाँ पर आपका परचेज बिल एंटर हो चुका है। सेल बिल को कैसे एंटर करेंगे जानने के लिए राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करें। रिसिप्ट, जर्नल, पेमेंट और कॉन्ट्रा एंट्री को कैसे पास करते हैं जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करें।